हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज लीनियर रिग्रेशन का लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 3.3। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है, होप आपका डाउट्स क्लियर रहेगा। अब बेसिक सम्स है, अभी इसमें जो भी सम्स है सब रिपीट ही होने वाले, कुछ नया नहीं है। तो एक बार फिर से देखते हैं, अपने को दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया है। द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन आर गिवन यू। आप देख सकते हो एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन, दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया। फाइंड क्या करना है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन, कोएफिशिएंट कोरिलेशन मतलब आर फाइंड करना है और x upon y find करना। देखो standard deviation x, standard deviation y, मतलब यहाँ पे अगर b x y मिल गया तो आप ये find कर सकते हो। सिर्फ b x y क्यों, बिकॉज ऊपर x है नीचे y है, तो b x on y find करना। वो जैसे मिलेगा तो आपको standard deviation x और standard deviation y भी मिल जाए। क्लियर। अब r find करने का रूल क्या है, r find करने के लिए b y x भी चाहिए, b x y भी चाहिए, दोनों चाहिए, बराबर है। तो आपको पहला इक्वेशन लेना पड़ेगा, x on y ले लेंगे, दूसरा y on x ले लेंगे, या तो y on x फिर x on y। क्लियर है, पक्का। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे आए। लेट पहला अज्यूम करते हैं, लेट इक्वेशन 2x plus 3y minus 6 is equals to, ये जो 0 दिया है इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन एज x on y ले लो, चलेगा पक्का। चलो ठीक है, इसको x on y लिया मतलब x इधर आएगा, बाकी सब ये बाजू आ जाएगा। जरूरी नहीं कि x on y, आपको y on x का मन कर रहा तो मैं y on x ले लेता हूं, ऐसा भड़कने की जरूरत नहीं है। ये लो as y on x, ठीक है, पहला इक्वेशन y on x ले लेता हूं। अब y on x मतलब आपको y इधर रखना है, 3y is equals, बाकी सब को ये बाजू लेके आ जाता हूं, तो minus 2x plus 6 हो जाएगा। ये समझा, पहला इक्वेशन y on x, दूसरा x on y ले लूंगा, वन एंड द सेम। क्लियर। तो हमने यहां पे क्या किया, 3y is equal to minus 2x plus 6। अब 3 को ये बाजू लेके आ जाते हैं, y is equal to minus 2x upon 3 plus 6x upon 3। अरे ये समझा पक्का। अब आपको याद होगा इधर कैंसिलेशन कर सकता हूं, 3 1 जा 3 2 जा करने का तो कर सकता हूँ, समझ में आया। सर ऐसा करना जरूरी है, अगर आपने इसको x on y लिया रहेगा तो आंसर दूसरे फॉर्म में आएगा, बट आएगा एट द एंड वैसा ही। क्लियर है, पक्का। करना पड़े तो करो, जरूरी नहीं है। अब मेरे पास क्या आया, y is equals to minus 2x upon 3 plus 2। आपको याद होगा अगर regression equation, तो जो x के साथ number होता है उसे b value कहा गया है। सर क्यों, क्योंकि आपका formula ही था ना, y is equals to a plus bx, और मुझे b का value find करना, और b किसके साथ होता है, x के साथ। तो ये x के साथ जो number है वो मेरा किसका value है, b का value है, और कौन सा b है, तो पहले y है और बाद में x है, तो I can say b y x का value कितना है, minus 2 upon 3। ये पहला value समझ में आ गया, समझा कैसे निकाला, मैंने क्या किया, जो x के साथ था number, जो x के साथ नंबर था वही मेरा क्या बन जाएगा, ये नंबर जो मेरा था वो क्या बन जाएगा, b का वैल्यू। कौन सा b का वैल्यू, तो पहले x बाद में y, इसलिए b y x minus 2 upon 3। क्लियर। अब दूसरा इक्वेशन लेता, दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरा इक्वेशन आपका है 2x plus 2y minus 12 is equals to 0। As, इसको अपन क्या ले लेंगे, अब ऊपर y on x लिया था, अब इसको x on y ले, समझा, ये पहले y on x लिया, अब x on y reciprocal allowed है। चलो ठीक है, अब x on y में x इधर रहेगा, बाकी वो बाजू आ जाएगा, तो ये आएगा 2x is equals to minus 12 इधर जाएगा तो plus 12 हो जाएगा, मतलब 12 plus 2y उधर जाएगा तो minus 2y हो जाएगा। अरे ये समझा, अब 2 से divide करना है, x is equals to 12 upon 2 minus 2 upon 2 y, cancel होता है, 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 1 जा, तब x is equals to 6 minus 1 y, 1 y मतलब y ना खाली,
ये समझा। अब ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, तो ये इक्वेशन आप देख सकते हो ये y on x का था, तो y on x में जो भी x के साथ नंबर होता है वो क्या होता है b का वैल्यू, तो यहाँ पे x के साथ क्या नंबर है, माइनस वन है, पाया नहीं, तो ये कौन सा वैल्यू आएगा, b x y माइनस वन। अरे ये समझा, देखो दोनों नेगेटिव है, अगर दोनों नेगेटिव है तो ही कोरिलेशन फाइंड कर सकते हो, दोनों पॉजिटिव है तो ही कोरिलेशन फाइंड कर सकते हो, एक का वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए, एक का वैल्यू जीरो से कम होना चाहिए, ये तीन रूल मैंने कंसिस्टेंसी में आपको पढ़ाया था एक्सरसाइज 3.2 में, क्लियर। तो बी वाई एक्स का दोनों का वैल्यू राइट है या रॉन्ग वो कब जज करना है, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी बाई डिफॉल्ट नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव आया तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, रूल है ये, दोनों नेगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, एक दूसरा, एक का वैल्यू वन से बड़ा होना चाहिए, एक का वैल्यू वन से छोटा होना चाहिए, ये भी रूल है, एक का वैल्यू वन से बड़ा होना चाहिए, एक का वैल्यू वन से छोटा होना चाहिए, बात समझ में आया, क्लियर। अगर ऐसा है तो कंसिस्टेंसी है और तो ही कोरिलेशन फाइंड कर सकते, इस केस में फाइंड कर सकते, हाँ सर दोनों नेगेटिव है तो फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। टेक्स्ट बुक में आंसर डिफर करेगा इसका, आप लोग अगर टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देखोगे तो आंसर फर्क आएगा, बट दिस इज द राइट सॉल्यूशन, तो फॉलो कर लेना इसको, ठीक है। तो आपने बी वाई एक्स भी फाइंड कर लिया, बी एक्स और वाई भी फाइंड कर लिया, अब मुझे क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन बोले तो आर, तो आर का फॉर्मूला है रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, बी वाई एक्स भी मेरे पास है, बी एक्स ऑन वाई भी मेरे पास है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, माइनस टू अपॉन थ्री इंटू माइनस वन, बराबर है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो शेफ क्या आंसर आएगा, माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया तो टू अपॉन थ्री, अब टू अपॉन थ्री का रूट निकालना है, आप इसको रूट ऑफ 0.66 भी कर सकते हो, 3 1 3 6 18 0.3 करेंगे, अब इसका रूट निकाले, मैंने पहले ही बताया आपको रूट निकालने का डायरेक्ट ट्रिक देने वाला हूँ मैं, अब मैं लिख रहा हूँ बट लेटर ऑन एक छोटा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा रूट कैसे निकलता है, डिवीजन बड़े नंबर्स का बिना टाइम कंज्यूम किए कैसे करेंगे, इसके भी छोटे क्लिप्स आने वाले, फिर तो अभी तो मैं लिख रहा हूँ बट लेटर ऑन इसके वीडियोज में अपलोड कर दूंगा, ओके चलो ठीक है। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा आर इज इक्वल टू 0.82, समझ में आ गया, समझा यहाँ तक पक्का, ये मुझे R का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना था सर, R फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन X, स्टैंडर्ड डिविएशन Y भी फाइंड करना है, बराबर है कि नहीं। अब स्टैंडर्ड डिविएशन X और Y फाइंड करने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, तो B X on Y का फॉर्मूला यूज करूंगा, B X on Y का फॉर्मूला है R इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन X अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन Y। अब इसमें मुझे क्या क्या मालूम है, बी एक्स ऑन वाई मालूम है, मालूम है, आर मालूम है, हाँ मालूम है, तो ये मिल जाएगा। देयरफॉर आई कैन से माइनस वन इज इक्वल टू 0.82 इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन वाई, मल्टीप्लाई तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस वन अपॉन 0.82 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन वाई, आप चाहिए तो इसको डिवाइड कर दो नहीं तो ऐसे रख दो तो भी चलेगा, क्लियर है क्या, पक्का समझा है, 100% समझा है, आप इसको डिवाइड कर दो तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स और वाई का फाइनल आंसर भी मिलेगा एक, अब मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पूछा था तो वैसे ही छोड़ दिया इसको, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या दिया है, फॉर अ बाइवेरिएट डेटा x बार दिया है, y बार दिया है, बी वाई एक्स भी दिया है, बी एक्स और वाई भी दिया है, जो आपने यहाँ पे फाइंड किया था, ये दोनों चीज दिया है और यहाँ पे एक्स बार वाई बार नया कुछ दिया है, और फाइंड करने बोला है y when x is given, y when x is given, तो इसके लिए तो आपके पास एक ही इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ले लेते, तो मुझे क्या फाइंड करना है, y when x is given, मतलब मुझे y on x फाइंड करना है, 3.1 एक्सरसाइज, तो y on x का फॉर्मूला क्या है, y is equals to a plus bx, तो मुझे इसमें क्या क्या चाहिए, तो इसमें मुझे चाहिए a का वैल्यू, b का वैल्यू और x तो दिया है सर, b का वैल्यू तो दिया है आपको, देखो y on x वाला b का वैल्यू तो दिया है ना आपको, मतलब मुझे b मिल गया, मुझे x भी दिया है, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है,
अब a का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, तो a कैसे फाइंड किया था, 3.1 एक्सरसाइज एक बार याद करो, a फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, a फाइंड करने के लिए आप कुछ तो मैंने फॉर्मूला दिया था, a is equals to, अब ये कौन सा है फाइंड कर रहा हूँ, y और x का ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा y बार माइनस b x बार, सिंपल ये सब चीज को इधर लेके आते तो भी चलता, खाली इतना बार करना तो आप कुछ भी नहीं, ओके अब y बार मालूम है क्या, हाँ सर मालूम है, 28 माइनस यहाँ पे जो b है वो कौन सा b है, b y on x, तो b y on x का आंसर कितना है, माइनस 1.5 इंटू x बार कितना है, x बार कितना है देखो 53, ये समझा, अब तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्सट्रैक्शन है, तो 28 माइनस 1.5 इंटू 53 करेंगे तो माइनस, वेरी गुड 79.5 आएगा, ये समझा, माइनस में क्योंकि माइनस में था नहीं ये, अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 28 प्लस 79.5 इज इक्वल्स टू a, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 107.5, ये a का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू आ गया आपके पास, अब मुझे y फाइंड करना है, तो उसके लिए a चाहिए, b चाहिए, x चाहिए, सब मेरे पास है, तो हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला y is equals to a plus bx, a का वैल्यू 107.5 प्लस b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है माइनस 1.5, यहाँ पे आएगा माइनस 1.5x, पहला इक्वेशन लिखना है, बाद में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 107.5 प्लस सॉरी माइनस 1.5x, ये आपका रिग्रेशन इक्वेशन है, इक्वेशन समझ में आ गया, अब इक्वेशन में x का वैल्यू कितना दिया है 50, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल्स टू क्या है ये 107.5 माइनस 1.5 इंटू 50 करेंगे, y इज इक्वल्स टू 107.5 माइनस 50 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है यहाँ पे, वेरी गुड 75, y इज इक्वल्स टू 107.5 माइनस 75 करेंगे तो आपको आएगा 32.5 आ जाएगा, ये मुझे किसका वैल्यू मिला, y का वैल्यू मिला, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड y व्हेन x इज गिवन, तो हमने y फाइंड किया जब x का वैल्यू दिया, इसी तरह आप उल्टा भी कर सकते हो, क्लियर है क्या, पक्का समझा, कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस, सॉरी द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन इज गिवन टू यू, अपने को दो इक्वेशन पहले जैसा दिया था अभी भी दिया, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन दिया और बोला है फाइंड मीन ऑफ x एंड y, मीन का मतलब x बार और y बार, मतलब इस इक्वेशन से मुझे x बार y बार फाइंड करना, पहला चीज समझ में आया, दूसरा ऑल्सो फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, अभी इसके पहले भी हमने फाइंड किया है कोरिलेशन, मतलब r भी फाइंड करना है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना है, x बार y बार और r, समझा, दो इक्वेशन दिया, सिंपल है, ऐसा सब आपने इसके पहले भी किया है, ध्यान देना कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 7 x माइनस 4y इक्वल्स टू 5 दिया है एंड 16y माइनस x इज इक्वल्स टू 64, बराबर है, अब क्या करोगे, इस इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हो तो इधर पहले x बाद में y दिख रहा है और इस इक्वेशन को देखोगे तो पहले y बाद में x दिख रहा है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ खाली कि ये मेरा x on y है और ये मेरा y on अज्यूम कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तो इसको हम क्या अज्यूम करेंगे, x on y और इसे हम अज्यूम करेंगे y on x, तो लेट x माइनस 4y equals to 5 be x on y, clear, जब ये x on y है तो मैं इधर ऐसा लिख सकता हूँ x is equals to 5 माइनस के जगह पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 4 उधर आएगा तो प्लस होगा, अरे ये समझा, इधर x के साथ कुछ भी है क्या, नहीं, मतलब कुछ डिवाइड नहीं होगा, मैंने आपको बताया था y के साथ जो भी नंबर होगा वो b का वैल्यू होगा, मतलब ये कौन सा b है, x on y, तो b x on y का आंसर कितना 4,
अभी हमने किया था ना पिछला सम, सेम वैसा ही किया, समझाइए। अब वापस ये वाला इक्वेशन, लेट 16y माइनस x इज इक्वल टू 64। अब ये कौन सा इक्वेशन लिया, बी y ऑन x, मतलब y इधर बाकी सब वो बाजू जाएगा, तो 16y इज इक्वल टू 64 प्लस x। अब इसके साथ क्या है 16, इधर आएगा तो डिवाइड, y इज इक्वल टू 64 अपॉन 16 प्लस y, सॉरी x अपॉन 16, बराबर है, समझा। अब मैं इसे अगर अच्छे से लिखने जाऊं कैंसलेशन कर सकता हूं, मैं कर रहा नहीं हूं, 1 अपॉन 16 x बराबर। अब जो x के साथ आया है नंबर वो क्या रहेगा, b का वैल्यू, ये कौन सा b होगा, y ऑन x, कितना 1 अपॉन 16, ये समझा क्या, पक्का समझा। तो मैंने b x ऑन y, b y ऑन x को फाइंड कर, अब ये दोनों मिल गया तो मैं r भी फाइंड कर ही सकता हूं, बराबर है। तो r फुर्सत में कर दो, पहले मैं मीन सॉल्व कर लेता हूं। मीन कैसे सॉल्व करना, तो दो इक्वेशन जब भी आपको दिया रहेगा, जब भी दो इक्वेशन दिया रहेगा तो मीन इजीली फाइंड कर सकते हो, कैसे, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, 16x, अब इसको अच्छे से लिख रहा हूं खाली, माइनस x प्लस 16y इज इक्वल टू 64। सर आपने क्या किया, पहले x बाद में y लिख दिया, x का साइन माइनस में था इसलिए आगे गया, इसका कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस, x को x के नीचे, y को y के नीचे लिखा और कुछ नया नहीं किया मैंने, ये समझा, पक्का समझा। 64 बाहर था, बाहर ही रह गया, ये जैसा था वैसे ही, कुछ चेंज नहीं किया है, खाली माइनस x को आगे और 16y को पीछे ले लिया, साइन भी चेंज नहीं हुआ है, जो साइन है वही साइन है उनका, समझा यहाँ तक, पक्का। अब 10th स्टैंडर्ड में हम साइमल्टेनियस सॉल्व करते थे, या तो x का वैल्यू सेम करो या तो y का वैल्यू सेम करो, यहाँ पे x का वैल्यू सेम है, देखो एक प्लस एक माइनस भी तो कैंसिल भी हो जाएगा, तो माइनस 4y में प्लस 16 करना है, मतलब 16 में 4 माइनस करना तो कितना आएगा, 12, पॉजिटिव ही आएगा, इधर कुछ नहीं मतलब प्लस ही करना है, इज इक्वल टू 69 हो जाएगा, 64 है ना यहाँ पे, तो 64 और 5 69 हो गया, क्लियर, पक्का समझा, चलो ठीक है। तो y इज इक्वल टू 69 अपॉन 12, अंडरस्टूड। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 5.75, वेरी गुड, 5.75, ये y का वैल्यू मिल गया, ये जो y का वैल्यू मिला ना, ये y नहीं है, y, समझा। अब ये y का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो किसी इक्वेशन में, उसे x का वैल्यू मिलेगा, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, अरे समझा। अब x माइनस 4 इंटू 5.75 इज इक्वल टू 5, x माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, इसका आंसर आपको आ जाएगा 28, 23, ओके 23 इज इक्वल्स टू 5, ये समझा गया, माइनस 23 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 23, x इज इक्वल्स टू 23, x नहीं है, ये क्या है, x बार है, तो अपने को x बार y बार भी मिल गया, चेंज क्लियर हो गया। अब मीन फाइंड करने के बाद कोरिलेशन था, कोरिलेशन बोले तो r था, और r के लिए दोनों भी चाहिए था, दोनों भी मालूम ही अपने को, तो अब यहां पे मैं कोरिलेशन भी फाइंड कर, r is equals to root of byx into bxy, तो root of byx कितना है 4, into bxy कितना है 1 upon 16, cancel होगा 4 1 जा 4 4 जा, therefore r is equals to root of 1 upon 4, 1 का root 1 और 4 का root 2, मतलब r is equals to 0.5 भी कह सकता हूँ, दोनों पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव आया, बात समझ में आया, पक्का। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया सम नंबर 7, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द